सरकार बनाने का दावा पेश किया। एनडीए नेताओं ने समर्थन पत्र सौंप दिया है, राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम कि एनडीए नेताओं ने समर्थन पत्र सौंप दिया। हालांकि पहले से खबर थी कि जो प्रक्रिया होती है उसके तहत आप देखिए कि सबसे पहले संसदीय दल की बैठक होती है, बैठक के ठीक बाद जो समर्थन पत्र है वो तमाम वहां पर राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये बताने के लिए कि हाँ हमारे पास जो ज़रूरत का आंकड़ा है वो मौजूद है, और उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रित किया जाता है। उसी प्रक्रिया के अनुसार इससे पहले आपको याद होगा कि रिजल्ट के ठीक बाद एनडीए नेताओं की बैठक होती है और उसके बाद सब ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। उसके बाद आज संसदीय दल की बैठक हुई, जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं सबसे पहले उन्होंने संविधान को नमन किया और उसके बाद उनका भव्य स्वागत होता है। जो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, वहां पर एनडीए के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो ठीक प्रधानमंत्री के बगल में आपको नजर आएंगे। ये देखिए बिहार के मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको नजर आएंगे नीतीश कुमार, इसके अलावा टीडीपी प्रमुख, क्योंकि ये दो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों चाहे वो नीतीश कुमार हों, और आप उनकी महत्ता उस तस्वीर से समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उनके ठीक बगल वाली कुर्सी पे चंद्रबाबू नायडू आपको नजर आएंगे, नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में तमाम लोगों की तरफ से 293 सांसद जिनका सपोर्ट हासिल है और अब राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंप दिया गया है, जो खबरें निकल करके सामने आ रही है। खबर ये भी कि 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और ऐसा करने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे चेहरे हो जाएंगे जिन्होंने तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, क्योंकि इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करते हुए और उसके बाद अब आगे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी होती हुई। प्रधानमंत्री जब इस दौरान अपना संबोधन देते हैं एनडीए की मीटिंग में तो वो तमाम बातों का जिक्र करते हैं, और अब जो प्रक्रिया है उसी के अनुरूप आपको इन तस्वीरों में पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो एनडीए के तमाम बड़े चेहरे थे, क्योंकि उनके संबोधन में भी वो कॉन्फिडेंस आपको नजर आया होगा। जब तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों चाहे वो नीतीश कुमार हों, जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पूरी तरीके से इसको लेकर के कॉन्फिडेंट रहते हैं, और साथ ही साथ विरोधियों को उन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए भी ये चेहरे, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि अगर इधर उधर अगर छटक गए तो बड़ी मुश्किल होगी, हालांकि तमाम जो चेहरे थे चाहे वो चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार, उन्होंने मजबूती का संदेश दिया। तो ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आज का दिन बेहद ज्यादा अहम, एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, जो बड़ी खबर है। एनडीए नेताओं ने समर्थन पत्र सौंप दिया, लाल कृष्ण आडवाणी से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है, और अब कहा जा रहा है कि एनडीए के जो तमाम घटक इस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा है। मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे हैं पीएम मोदी, जो बड़ा अपडेट है, और ये काफिले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी सामने आ जाएगी। क्योंकि देखिए आज का दिन इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ये ऐतिहासिक लम्हा है। पीएम ने भी एनडीए का जिक्र किया कि किस तरीके से इसकी नींव रखी गई थी। मेरे साथ गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। गौरव, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष का जिक्र किया, विपक्ष पर हमला बोला, ईवीएम को लेकर के भी हमला बोला, लेकिन एनडीए का वो जिक्र करते हैं, उन चेहरों का जिक्र करते हैं जिन्होंने एनडीए की एक तरीके से नींव रखी, और एक तरफ प्रधानमंत्री का संबोधन, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात, और अब मुरली मनोहर जोशी के आवास पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। गौरव, गौरव सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई दिक्कत है, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा देते हैं, हम गौरव के पास वापस से जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण, मुरली मनोहर जोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ये एक एक करके वो जो चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी की एक तरीके से आप मानिए नींव रखी, जिन्होंने बीजेपी की मजबूती के लिए लगातार प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी का जो हम आज के वक्त मौजूदा स्वरूप देखते हैं उनमें उन चेहरों की भूमिका बेहद ज़्यादा अहम हो जाती है। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गौरव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष को जमकर घेरा, साथ ही साथ एनडीए की भी बात की। ये कहा कि किस तरीके से इसकी परिकल्पना की गई थी। पहले वाजपेयी जी का नाम बोले थे अपने संबोधन में, फिर लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और अब मुरली मनोहर जोशी से। अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उस संबोधन में उन्होंने एक तीर से दो निशाने साध दिए। सबसे पहला, जो विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर के बार बार रोना रोता था और लगातार इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि बहुत मजाकिया अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा कि बहुत देर हो गया था ईवीएम का, कहीं से कुछ उनके पास संदेशा नहीं आया, ना ईवीएम से जुड़ा कोई ऐसा मामला आया कि ईवीएम की वजह से कुछ हो गया हो, तो ये भी अपने आप में इस चुनाव में एक चमत्कार था। दूसरा, अगर बात करें जिस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि चुनाव आयोग लगातार जिस तरीके से चुनाव करा रहा था उसके ऊपर लगातार एक दबाव था, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग को लगातार टारगेट करना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पे याचिका डालना विपक्ष काम कर रहा था और लोकतंत्र में बाधा डालने का काम विपक्ष कर रहा था, पीएम ने यह भी कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे 10 सालों का एक रोड मैप भी आज ही जो है वो सेंट्रल हॉल में संसद भवन के रख दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जब एनडीए सरकार बनाने जा रही है तो एक तरफ जो इंडिया गठबंधन के तरफ से इस तरीके की नेताओं की जो खबरें आ रही हैं कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, समर्थन की बात हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम आज नीतीश कुमार के स्टेटमेंट से लग गया है। बल्कि जी गौरव, अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल, नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा था। नीतीश कुमार ने जब अपना संबोधन शुरू किया, अपने संबोधन में उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया कि जो लोग बाहर बैठ करके जो ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, बल्कि नीतीश कुमार के संबोधन से एक चीज़ और स्पष्ट हो गया कि वो बहुत जल्दी में है सरकार बनाने के लिए, उन्होंने तो इस बात की तरफ भी इशारा किया। हालांकि आप देखिए कि जिस तरीके से खबरें लगातार पिछले 2 दिनों से चल रही हैं मंत्रिमंडल को लेकर के, मांगों को लेकर के, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ से मंत्रिमंडल नहीं मिलने वाला है। बड़ा साफ इशारा था, खास करके तमाम उन लोगों के लिए जो लगातार इस तरीके से बातें निकल करके सामने आ रही थी। अब फिलहाल जो कवायद है, आप देखिए कि जैसे सेंट्रल हॉल के अंदर ये बैठक खत्म समाप्त हुई, जितने भी नवनिर्वाचित सांसद थे और जो पुराने सांसद थे जो रिपीट होकर के आए हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ वो मिले और जो अलग अलग गठबंधन के नेता थे दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लेकिन आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, चिर परिचित अंदाज में नीतीश कुमार का संबोधन होता है जिसमें वो कहते हैं कि हम तो कह रहे हैं कि आप आज ही शपथ ले लीजिए। लेकिन गौरव, जरा ये बताइए, क्योंकि बीच में अभी ये भी खबर सामने आई है कि एनडीए के नेताओं ने समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया है, आपके पास क्या जानकारी? और ये भी जरा दर्शकों को बताइएगा कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि संसदीय दल का नेता तो नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया। बिल्कुल देखिए, स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और सभी दलों के जो नेता थे उन्होंने उनको बधाई भी दिया है। और अब आगे अगर हम बात करें समर्थन पत्र की, तो पूरी तरीके से लिखित में जो समर्थन पत्र है उनके अलग अलग दलों का वो सौंप दिया है। और अब अगली जो अब कड़ी होगी वो ये होगी कि अब राष्ट्रपति के समक्ष दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने का, और उसके लिए भी शाम का जो समय है, तकरीबन जो जानकारी मिल पा रही है, शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी राष्ट्रपति के समक्ष पहुँच करके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके अलावा जो और दल के जो नेता है प्रमुख वो रहेंगे और सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, गौरव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, कई महत्वपूर्ण चीजों का उन्होंने जिक्र किया। विपक्ष पर वो हमला बोलते हैं, ईवीएम को लेकर के हमला बोलते हैं, तंज उन्होंने कसा कि ईवीएम जिंदा है या फिर मर गया। बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, हमें विजय को पचाना आता है, हमारे विजय से उन्माद नहीं फैलता। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये एक सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस तरफ इशारा किया। आपको ध्यान हो कि हाल ही में पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव हुए कुछ राज्यों में, उसके बाद से नतीजों के बाद अगर देखें तो विपक्ष की तरफ से लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए। इस बार भी आप देखिए कि चुनाव आयोग लगातार हर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, ब्रीफिंग देता था, और किस तरीके से चुनाव जहाँ जहाँ संपन्न हुए, कितना प्रतिशत मतदान हुआ, सभी बातों की जानकारी चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से दे रहा था। प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बात जो थी वो बहुत स्पष्ट थी कि
साफ तौर पर जिस तरीके से एक एजेंडा बना करके विपक्ष लगातार ईवीएम को टारगेट करना और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर टारगेट करना, ये जो कर रहा था कहीं ना कहीं उसमें भी विफल रहा है। और आने वाले दिनों में उन्होंने ये भी अपने तरफ से स्पष्ट किया, खास करके जो एनडीए के सांसद हैं उनको तो बधाई दिया ही दिया, इसके अलावा जो विपक्ष में बैठे हुए तमाम जो सांसद हैं उनको भी बधाई दिया। और प्रधानमंत्री ने एक बात और कहा कि बहुत दिनों से एक अच्छे डिबेट का इंतजार उनको भी था सदन के अंदर, तो अब आने वाले दिनों में उन्होंने उम्मीद जताई है कि तमाम जो सांसद जीत के आ रहे हैं अब संसद के अंदर एक अच्छे डिबेट होगी और राष्ट्रहित में चर्चा होगी, ना कि अलग अलग दलों की उन्होंने बात की, उनकी विचारधाराओं की बात की, उन्होंने कहा अब राष्ट्रहित में चर्चा किया जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक संदेश भी दिया गया और ये तस्वीरें भी लगातार इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात और फिर खबर ये आई कि प्रधानमंत्री मुरली मनोहर जोशी के आवास पर मौजूद हैं और मुझे लगता है कि वो भी तस्वीर अब से कुछ देर के बाद आने लगेगी। लेकिन एनडीए की जो बैठक हुई वो अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण और गौरव, क्योंकि एक तरीके से कयास ये लगाए जा रहे थे, विपक्ष की तरफ से भी तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन आज जब एनडीए की बैठक होती है, जब तमाम 293 सांसद यहाँ पर पहुंचते हैं, एकजुटता का संदेश भी, और चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, अजीत पवार हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, एक सुर में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और इसी के साथ एकता का संदेश देते हुए भी तमाम चेहरे। बिल्कुल, देखिए सभी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, चाहे वो हम अनुप्रिया पटेल की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, और भी उनके जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार का संबोधन भी बहुत शानदार था। उन्होंने तो एक तरफ स्पष्ट कर दिया कि इस बार नीतीश कुमार फिलहाल जो है वो पलटी मारने वाले नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकार बनाने की अगर किसी को जल्दी है तो आज के संबोधन में साफ नज़र आया कि नीतीश कुमार को भी है।